वन पाकिस्तान जो एनजीओ है, इन लोगों ने भी एक इनिशिएटिव ले लिया कि इस जैसे वीराने इलाके में आके कुछ न कुछ ग्रीनरी ये पैदा करना चाहते हैं, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी विजन है। इस पर हम इनके भी मशकूर हैं, आप लोगों के भी मशकूर हैं। आज कंजर्वेटर साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी इफ्तिताह कर लिया, कुछ प्लांटेशन की, और वो मुहिम चल रही है। जी पी आर एस पी वाले भी आ गए थे, उनके भी हम मशकूर हैं। तो ये चलना चाहिए था वो 2-3 साल पहले, चलो लेट सही, लेकिन अब भी हो जाएगा तो ये इसका फल 1-2 साल बाद ये वीराना नहीं रहेगा, बल्कि एक बाग बन जाएगा और एक बहुत खूबसूरत एरिया बन जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के मशकूर हैं, जिन एन जी ओज ने, हुकूमती इदारों ने इस काम की इब्तदा की है, सबके हम मशकूर हैं, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुख्तलिफ फैक्टर हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास कुल जो रकबा है इस वक्त 317 कनाल ज़मीन मौजूद है। अगर इसमें उस रकबे के हिसाब से लगाएँ तो 10,000 से भी ज़्यादा, बल्कि लाखों पौधे लग सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इशू हमारे साथ भी है, हमारा जो पंप हाउस लगा है वो कैदियों के ज़रूरत के मुताबिक लगाया गया है। इसको हम एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट के को ग्रो करने के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए अगर इदारे इस जो एग्रीकल्चर मकासद या फॉरेस्ट के लिए एक अलग हमारा पंप हाउस लग जाए तो यहाँ हम बहुत कुछ ज़रिए अजनास या पैदा कर सकते हैं, और गिलगित की मार्केट को हम सप्लाई भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्री लेबर मौजूद होता है। कैदी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम उनको एक्टिविटी नहीं देते हैं। 300 कनाल में अगर एग्रीकल्चर या इस तरह की चीज़ें हम कर लें, यहाँ सब्ज़ियाँ लगा दें, फ्रूट के ऑर्चर्ड्स लगा दें, तो शायद हम गिलगित की मार्केट को भी यहाँ से सप्लाई कर सकें। आज ग्रीन गिलगित बल्तिस्तान प्लांटेशन ड्राइव के नाम से 2022 ग्रीन गिलगित बल्तिस्तान प्लांटेशन ड्राइव के नाम से हमने प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर मुनव्वर जेल में रखी है। हम पिछले 2-3 सालों से ग्रीन गिलगित बल्तिस्तान प्लांटेशन ड्राइव के नाम से ये प्लांटेशन हर साल कर रहे हैं। ये हमारा 3रा साल है और इस साल हमने मुनव्वर जेल में प्लांटेशन की है। इस प्लांटेशन में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्पेशली जी बी आर एस पी डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोलेब्रेशन की। उनके कोलेब्रेशन के बगैर हम ये प्लांटेशन नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए कारवान पाकिस्तान ट्रस्ट, हम एक एनजीओ हैं, तो इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए हम प्लांटेशन ड्राइव सालाना करते हैं, क्लीन ड्राइव्स करते हैं। तो इस साल इसी तरह हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किए। सारे डिपार्टमेंट्स और हमारे सारे मेंबर्स जो वॉलंटियर हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे ज़्यादा वजाहत भाई, आप यहाँ पर हमारे पास आए, और तमाम प्रेस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा ये इवेंट जो हर साल हम कारवां पाकिस्तान ग्रीन गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक इवेंट करता आ रहा है पिछले 3 सालों से, और इस साल भी जेल की जो टेरिटरी है इसमें हमने विज़िट किया और यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रकबा भी ज़्यादा है और दरख्त बिल्कुल न होने के बराबर हैं। तो इस साल हमने इस सोच पे यहाँ पे ये स्टार्ट किया था कि इस एरिया को हम ग्रीन करेंगे, और इस हवाले से हमने इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कोलेब्रेशन के साथ, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है, खास करके GBRSP, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सब ने हमारा साथ दिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको मैनेज करने में, और स्पेशली हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इनका भी बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ आए यहाँ तक और इस काम को अंजाम देने में हमारी मदद की।